जैसे कि आप सबको पता है छत्तीसगढ़ बोर्ड की तरफ से 10वीं और 12वीं वालों का रिजल्ट जो है रिलीज कर दिया गया है। रिजल्ट को कैसे चेक करेंगे? अगर आप भी 10वीं या 12वीं में आप लोग पढ़ते हैं और आपका रिजल्ट जो अभी तक नहीं पता लगा है, तो आज की इस वीडियो में मैं कंप्लीट प्रोसेस के साथ बताने वाला हूँ रिजल्ट को कैसे चेक करना है। आप बहुत ही आसान तरीके से अपने मोबाइल या कंप्यूटर से चेक कर सकते हैं। दोस्तों कैसे चेक करना है, चलिए मैं आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सो गाइस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको भी पता लग सके। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा नाम जान लीजिए, मैं मुकेश, आप सभी दोस्तों का अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल वर्ल्ड एमजे चैनल पर स्वागत करता हूँ। दोस्तों अगर चैनल पर पहली बार आए या पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और साथ में नोटिफिकेशन का बेल दबाना ना भूलें ताकि ऐसी हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस सबसे पहले आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। और उसके बाद आपको क्या करना है, गूगल क्रोम में आ जाना है। यहाँ पर सर्च बार में आपको टाइप करना है, अगर आपने 10th या प्लस टू का रिजल्ट पता करना है तो यहाँ पर आपको टाइप करना है cgbse.nic.in। यहाँ पर देख सकते हैं, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप वहाँ से डायरेक्ट भी जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे ही आप सर्च करेंगे दोस्तों डायरेक्ट इस पेज पर विजिट हो जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्जामिनेशन रिजल्ट 2022 छत्तीसगढ़ बोर्ड सीनियर सेकेंडरी रायपुर। यहाँ पर आप देख सकते हैं दो लिंक दिए गए हैं, हाई स्कूल 10th एग्जामिनेशन रिजल्ट, रिजल्ट लिंक एक, रिजल्ट लिंक टू दिया गया है। तो आपको किसी भी लिंक पे क्लिक कर लेना है, चाहे फर्स्ट या सेकंड पे। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, मैं इसको जूम करके थोड़ा दिखा दूं, यहाँ पर आपको क्या करना है, एंटर रोल नंबर डाल लेना है, आपका जो भी रोल नंबर यहाँ से डाल लेना है। और उसके बाद यहाँ पर आपको कैप्चर कोड फिल कर लेना है और जैसे ही सबमिट करेंगे आपका रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद बैक आते हैं, यहाँ पर आप अगर हाई सीनियर सेकेंडरी स्कूल में है, प्लस टू में है, तो आपको फर्स्ट या सेकंड दोनों में से कोई भी लिंक क्लिक करके आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। चलिए मैं आपको अभी लाइव करके दिखाता हूँ। यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर डाल लेना है, जो आपको रोल नंबर दिया गया था। तो चलिए हम रोल नंबर और कैप्चर कोड डाल लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमने रोल नंबर और कैप्चर कोड डाल लिया है। उसके बाद आपको क्या करना है गाइज, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे यहाँ पर आपका रिजल्ट जो है आ जाएगा। एक सेकंड, हमारा जो नेट है स्लो है, थोड़ा वेट करते हैं। यहाँ पर दोबारा हम सबमिट करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा रिजल्ट आ चुका है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं फर्स्ट डिवीज़न से जिसका रिजल्ट है यहाँ पर वो पास हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सीनियर सेकेंडरी का रिजल्ट जो है हमने निकाल लिया है। इस तरह से आप भी अपना रिजल्ट बहुत ही आसान तरीके से घर बैठे मोबाइल के जरिए पता कर सकते हैं और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप डायरेक्ट यहाँ से भी विजिट कर सकते हैं। हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी जरूर हमें कमेंट करके बताएं, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए या पहली बार विजिट कर रहे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और साथ में नोटिफिकेशन का बेल दबाना ना भूलें ताकि ऐसी हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।